ऑलराइट, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड पर इसका इस्तेमाल किया जाता है वेब एप्लीकेशंस को डायनामिक बनाने के लिए, ठीक है। अब यूँ समझ लीजिए कि इंडेक्स का पेज है हमारा, ठीक है। अब इंडेक्स के पेज में इस वक्त जब मैं आता हूँ तो कोई मुझे मैसेज दिखाना है कि भाई वेलकम, सही है, लेट्स से अगर ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे। ऑलराइट, तो अब मैंने कहा कि आपको वेलकम का मैसेज एक दिखाना है। आपने देखा होगा वेबसाइट पे पॉपअप्स वगैरह आ जाते हैं ना, पॉपअप आ रहा होता है, ये आपको अलर्ट कहते हैं उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप हेड के अंदर ही, मैं अभी फिलहाल ऑन पेज स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट का टैग ऑन करें और उसकी टाइप दे दें /javascript, ठीक है। और यहाँ पर आप स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, ठीक है। हम पहला एक फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट में बना बनाया होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक फंक्शन है अलर्ट के नाम से, और फंक्शन की पहचान ये होती है कि उसके आगे लगते हैं राउंड ब्रैकेट और सेमी कॉलन, एक्चुअली स्टेटमेंट टर्मिनेटर है कि ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो, ठीक। अब ये देखें स्क्रिप्ट जो मैं समझा रहा था कि पेज हमेशा पूरा ही रेंडर होगा ऊपर से, क्योंकि हमने अलर्ट लिखा हुआ है। तो अब देखिएगा कि जैसे ही मेरा पेज चलेगा सबसे पहले मुझे एक पॉपअप आएगा, ऑलराइट। ये पॉपअप अलर्ट बॉक्स है, ओके, मैंने इसको ओके कर दूंगा, फिर उसके बाद वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। अब अलर्ट खाली हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा कि ये पेज क्या क्या रहा है, ठीक है। अब हम अलर्ट में जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं हम डबल कोटेशन के अंदर लिख दें, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैंने ये लिखा, ठीक, अब देखें क्या होगा जब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, क्या लिखा हुआ है, अस्सलाम। दिस इज अ सिंपल स्क्रिप्ट, ये भी जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, अलर्ट वो हमने इस्तेमाल कर लिया, कोई इशू किसी। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है सीखना, हमने HTML के कमेंट सीखे, CSS के भी कमेंट सीखे हमने, जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे होता है। जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने के लिए आप सिंगल लाइन के लिए आप दो बार फॉरवर्ड स्लैश लगाएं तो ये कमेंट हो जाएगा। अब ये कोड लिखा हुआ है, इसको ब्राउज़र पढ़ेगा ज़रूर, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसको देख लेते हैं, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर जाके जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कोई अलर्ट नहीं आया, क्योंकि वो लाइन मैंने कमेंट की हुई, ओके। अच्छा सर, तो ये तो सर हो गया कि जो हमने लिखा था स्टैटिकली वो हमें नजर आ गया यहाँ पर, ऑलराइट। अच्छा, अभी नाम जो खुद ब खुद आया ना, ओके करना फिर आ रहा, ऑलराइट। अब हमारा मेरी जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है, अलर्ट आ गया। अब फर्ज कर लीजिए कि मैं, मुझे यूजर्स जब आए तो मैं यूजर से पहले पूछूं भाई व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अगर ये हमें कभी बनाना है तो इसके लिए जो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है वो है प्रॉम्प्ट का, प्रॉम्प्ट बॉक्स। अभी प्रॉम्प्ट क्या करता है, की भी आता है, प्रॉम्प्ट ये करता है कि वो प्रॉम्प्ट करेगा आपको कि भाई ये आया, ठीक है। मैंने कहा भाई ये व्यूअर नेम, मैं अलर्ट को फिलहाल कमेंट कर रहा हूं, सिर्फ प्रॉम्प्ट का आउटपुट देखते हैं। जब मैं इसको चलाया तो देखिए वो प्रॉम्प्ट कर रहा है कि गिव योर नेम, और हमें एक टेक्स्ट बॉक्स भी मिल गया, ओके। अब आपने दे दिया अफनान और ओके कर दिया तो ये चला गया। अब जो डेटा इसे रिसीव किया वो कहाँ गया, क्योंकि हमने उसको कहीं नहीं रखा हुआ तो इसलिए वो कहीं पर भी नहीं गया। अभी हम इसको स्टोर करेंगे। अब जरा गौर से देखें कि प्रॉम्प्ट में हमें वैल्यू मिलती तो है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये प्रॉम्प्ट आया था। अब मैंने वैल्यू दिया अफनान लेट से और ओके कर दिया। अब ये वैल्यू गई है, मेरे इनपुट हुआ है, मेरे स्क्रिप्ट की तरफ ये वैल्यू गई है, लेकिन प्रॉम्प्ट की जो वैल्यू मुझे रिसीव हुई है वो मैंने कहीं रखी नहीं। अब वैल्यूज कहाँ रख सकते हैं आप जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। आप कंप्यूटर की जब बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में जब भी आप यूजर से इनपुट लेंगे सो यू हैव टू सेव दैट वैल्यू, आपको उस वैल्यू को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो जगह है किसी वैल्यू को स्टोर करने की वो होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल? मैंने कहा var इज अ कीवर्ड, ये यूज किया जाता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, और a उस वेरिएबल का नाम है। और मैंने कहा a, मैंने कहा प्रॉम्प्ट करो गिव योर नेम, जो वैल्यू मुझे वहां से मिले उसको उठा के कहा रख देना a के अंदर, ठीक। अब a जो है वो क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, क्वेश्चन। वेरिएबल इज अ कंटेनर That can hold some value. Variable एक container है memory में जो कि कुछ values को save कर सकता है। अब सर
वैल्यूज क्या होंगी, कैसी होंगी, इस पर बाद में बात करेंगे। वेरिएबल कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अलाउ कर दिया कि आप अनलिमिटेड वेरिएबल्स बनाएं, उसकी जो स्टोरेज है वो भी अनलिमिटेड है। जावास्क्रिप्ट कितना भी डेटा वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। इसके मुकाबले में अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करें, सी शार्प या जावा, तो वहां पर आप वेरिएबल से पहले बताते हैं कि वेरिएबल की टाइप क्या है, वो इंटीजर है या फ्लोट है या डबल है, ठीक है। तो उसमें फिर उसी किस्म का डेटा रखा जाता है कि इंटीजर में इंटीजर आएगा, फ्लोट में फ्लोट आएगा, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का डेटा आएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो इसके अंदर आप सिर्फ ये बताते हैं कि भाई एक ए वेरिएबल है मेरा, अब इसमें कुछ भी रख दो उठा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ए बराबर है प्रॉम्प्ट की वैल्यू के, तो जो भी प्रॉम्प्ट ने सबमिट किया वो कहाँ के स्टोर हो गया, ए के अंदर, ओके। अच्छा भाई अब देखते हैं सर क्या इसमें फ़र्क आया। भाई मेरे पास फ्रंट एंड पे तो कोई फ़र्क नहीं आया, मैंने कहा गिव योर नेम अफनान वैल्यू दी, ओके हो गया। अब जब मैंने इसको ओके किया तो ये वैल्यू अफनान जो है वो जाके सेव कहाँ हो गई, ए के अंदर। लेकिन डेफिनेटली हमने उस ए को कहीं इस्तेमाल नहीं किया, मतलब हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो डेफिनेटली वह स्टोर है, ठीक है। आइए उसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा भाई जो ए में तुम्हें वैल्यू मिली है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को आप बगैर डबल कोटेशन के लिख सकते हैं, वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अलर्ट के अंदर डायरेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो भी ए में वैल्यू मिली होगी पहली लाइन में, वही अलर्ट के अंदर स्प्लैश हो जाएगी मुझे दूसरी लाइन के जरिए, ठीक है। देखें इसको टेस्ट करें। अच्छा भाई मैंने पेज रिफ्रेश किया, यहाँ पर गिव योर नेम, मैंने कहा मेरा नाम है राहिल शरीफ, और जब मैंने इसको ओके किया तो देखिए अलर्ट में क्या आ रहा है, राहिल शरीफ, अंडरस्टैंड, कि वही वैल्यू जो हमने सेव की थी ए के अंदर वो यहाँ प्रिंट हो। आइए भाई वैल्यू चेंज करके देखते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टैटिक वैल्यू हो गई, भाई वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज होती रही। उस ए में अभी जो है वो क्या पढ़ा हुआ था, राहिल शरीफ, मैंने अब इसके अंदर दे दिया एहसान, तो अब देखें क्या फ्लैश हुआ, क्योंकि वो वेरिएबल वेरी करता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट कैन होल्ड सम वैल्यू, दैट कैन सेव सम वैल्यू, बट फॉर वेरी बेसिस, मतलब वो तब्दील भी हो सकती है, वैल्यू परमानेंट नहीं है कि उसमें ये लिख दिया तो यही रहे। अच्छा एक और चीज, ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग ही हो, सिर्फ टेक्स्ट ही लिख सकें आप, भाई इसमें 25 दे रहे तो ये 25 भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि आपने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई हुई, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम जो है वो जावास्क्रिप्ट को हम स्टार्ट कर चुके हैं कि हमने आज दो मेथड पढ़े, एक मेथड सिर्फ शो कराने के लिए वैल्यूज को, वो हमने अलर्ट पढ़ा ये पॉपअप दिखाने के लिए, दूसरी किस्म का जो पॉपअप है वो हमने प्रॉम्प्ट वाला पढ़ा। प्रॉम्प्ट के जरिए से हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं और वो फिर इनपुट हम कहीं वेरिएबल में रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। अच्छा जी